ये है नासा का एडवांस स्पेस शटल और ये है जर्मन वी रॉकेट का मॉडल। जर्मन वी रॉकेट को मोस्ट बेसिक रॉकेट कहा जाता है, जिसे 1936 में जर्मनी द्वारा डेवलप किया गया था और इसे पहली बार पेरिस के अगेंस्ट फायर किया गया था। हालांकि आज काफी एडवांस रॉकेट भी बनाए जा चुके हैं, जैसे कि सैटर्न 5 और स्टारशिप। आज हम बात करेंगे रॉकेट के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आखिर एक बेसिक रॉकेट किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है? एक बेसिक रॉकेट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें सबसे ऊपर होती है इसकी फ्रेम बॉडी। ये फ्रेम बॉडी ही इंटरनल पार्ट को एक साथ असेंबल करके रखती है। फिर रॉकेट के दो मेजर पार्ट होते हैं, नोच कोन और प्रोपल्शन सिस्टम। ये टॉप कोन शेप्ड फ्रेम को नोच कोन कहा जाता है। ये बेसिकली पेलोड सिस्टम को और रॉकेट के गाइडेंस सिस्टम को होल्ड करता है। पेलोड सिस्टम सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और इवन ह्यूमंस को भी होल्ड करता है। जैसे स्टारशिप का पेलोड सिस्टम, जो कि एक साथ 100 लोगों को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। बट इन केस ऑफ मिलिट्री वेपन, ये ह्यूमन और स्पेसक्राफ्ट के बजाय एक्सप्लोजिव और एटॉमिक वेपन भी हो सकते हैं। मतलब बेसिकली पेलोड सिस्टम लगेज कैरी करने के लिए काम आता है और ये रॉकेट के टॉप फ्रेम एंड पर लोकेट होता है। और इसी नोच कोन में गाइडेंस सिस्टम भी लोकेट होता है, जो रॉकेट को गाइड करता है और उसकी डेस्टिनी की तरफ पॉइंटेड रखता है। गाइडेंस सिस्टम में एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप को इंटीग्रेट किया जाता है, जो कि रॉकेट की डायरेक्शन का स्मॉल एडजस्टमेंट और रॉकेट को और स्टेबल करते हैं। और मॉडर्न रॉकेट के गाइडेंस सिस्टम में थ्रस्टर्स को भी इंटीग्रेट किया जाता है। इसके बाद रॉकेट का दूसरा मेजर पार्ट है प्रोपल्शन सिस्टम। इसे रॉकेट का इंजन कहा जाता है और इसी की वजह से एक रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर पाता है। लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि रॉकेट का इंजन भी दो प्रकार का होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड रॉकेट इंजन। सॉलिड रॉकेट इंजन काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं, यानी इनको यूज करना और डेवलप करना काफी आसान होता है और इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफी कम होता है। लेकिन ये काफी ज्यादा लेस एफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं लेकिन ये आउटपुट बहुत कम देते हैं। और वही जो लिक्विड रॉकेट इंजन होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं और इन्हें डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये सॉलिड रॉकेट इंजन के मुकाबले बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी कि कम फ्यूल में ज्यादा आउटपुट देते हैं। इसीलिए आज के मॉडर्न रॉकेट्स में लिक्विड रॉकेट इंजन का यूज किया जाता है। जर्मन वी रॉकेट के इस मॉडल के अंदर लिक्विड रॉकेट इंजन यूज किया गया था। इस प्रोपल्शन सिस्टम यानी रॉकेट इंजन के अंदर भी काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्यूल टैंक, ऑक्सीडाइजर, पंप, नोजल और फिन। ये है फ्यूल टैंक, जिसमें रॉकेट के फ्यूल को स्टोर किया जाता है, और ये है ऑक्सीडाइजर टैंक, जिसमें रॉकेट के ऑक्सीडाइजर को स्टोर किया जाता है। फ्यूल के रूप में मोस्टली लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन। ये है रॉकेट का पंप और ये है नोजल। इन दोनों टैंक से फ्यूल और ऑक्सीजन आकर कंबक्शन चैम्बर में मिक्स होते हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं। इससे बनी हुई फ्लेम और स्मोक नोजल के रास्ते बाहर आ जाते हैं और थ्रस्ट क्रिएट करते हैं, जिससे रॉकेट लिफ्ट ऑफ कर पाता है। पंप रॉकेट में फ्लूइड के फ्लो को मेंटेन करता है। ये फ्लूइड के फ्लो को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि पंप के जरिए फ्लूइड के प्रेशर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इससे रॉकेट की स्पीड कम भी की जा सकती है और ज्यादा भी की जा सकती है। ज्यादा मात्रा में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हीट और गैस जनरेट होगी, जिससे रॉकेट का थ्रस्ट भी ज्यादा होगा और स्पीड भी। दूसरा, नोजल भी फ्लूइड के फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन नोजल अपनी शेप को चेंज करके फ्लो फ्लूइड को मैनिपुलेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नोजल पूरा एक्सपेंड हो जाए तो ज्यादा फ्लूइड बाहर आ पाएगा, अगर नोजल पूरा बंद हो जाए तो फ्लूइड बहुत कम बाहर आ पाएगा। ये नोजल की शेप पर डिपेंड करता है, यानी कि रॉकेट का नोजल शेप चेंज कर सकता है। और आखिरी, इसके फिन्स रॉकेट को राइट डायरेक्शन में पॉइंटेड रखते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स को क्रिएट करते हैं और रॉकेट्स में होने वाले वोबल्स को भी काउंटर करते हैं, जिससे रॉकेट हमेशा स्टेबल रहे। और इस पूरे रॉकेट फ्रेम को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ताकि रॉकेट का वेट कम से कम हो। और रॉकेट को पूरा डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वन ऑफ द लाइटेस्ट मेटल है। एल्यूमिनियम लाइट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। और ये खत्म होता है एक रॉकेट का बेसिक स्ट्रक्चर।